नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी का दिन है आज कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा कब होगी। ये पता चल गया है। इससे बड़ी बात क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको एग्ज़ाम कब देना है। अभी तक तो यही नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब देना है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। दो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएँ, एक तो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी RO ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और साथ में मुख्य परीक्षा का भी कैलेंडर और बहुत सारी और परीक्षाएँ हैं जो शेड्यूल्ड हुई हैं जिनको देना है लोगों को, तो उनके बारे में जो डेट है उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर RO ARO और PCS की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमको मेंस भी कवर करना है क्या है, वो दो तीन दिन सोच के हम अच्छे से आपको बताएंगे। ये नहीं कि बस कैलेंडर आया हड़बड़ी में आपको बता दें, थोड़ा सा हम उस पर पहले विचार करेंगे, आप लोगों की राय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। जो शेड्यूल आया है ये देखिए, अभी आज ही 10 जून को जारी हुआ है और ये जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें पहली परीक्षा जो होने जा रही है वह यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा है 2018 की वैकेंसी है 25 जुलाई को। फिर सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा को इन्होंने कर दिया है जिस दिन RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा थी 1 अगस्त को। फिर प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष और महिला ये वैकेंसी आई थी 2020 की ये वैकेंसी और इस परीक्षा को इन्होंने कर दिया है 19/9 को यानी कि सेप्टेम्बर में 19 सेप्टेम्बर को। स्टाफ नर्स परीक्षा जो है इसमें पुरुष महिला दोनों 3 अक्टूबर को। और फिर ये महत्वपूर्ण परीक्षा जो सबका सपना है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा और इसी में साथ में होती है सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। तो ये 24 अक्टूबर पहले से ये डेट मार्केट में घूम रही थी। मार्केट का मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये डेट घूम रही थी। तो वही डेट है, बिल्कुल सही वो सारी सूचनाएं थी। संभागीय निरीक्षक परीक्षा ये प्राविधिक जो है ये 2020 की परीक्षा ये 21/11 को है ना, और नवंबर में ये शेड्यूल्ड है। और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा फिर मुख्य परीक्षा जो पेपर होगा 1 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा का, उसका मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल है वो 26/11 को है, 26 नवंबर में। फिर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, बहुत लोग इंतज़ार इसका कर रहे हैं, ये 5 दिसंबर 2021। सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो हमारे बिकते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वायरी आती है वो इसी से संबंधित आती है, सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इसी से होती है और सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास इसके जुड़ते हैं, जो मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। PCS की भी टेस्ट सीरीज में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020, ये परीक्षा भी बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राजकीय इंटर कॉलेज की जो ये मुख्य परीक्षा है ये 19/12 को, इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कब हो रही है, ये हो रही है 19/9 को और ये फिर 19/12 को दिसंबर में। फिर प्रधानाचार्य, सेकंड उप प्रधानाचार्य और सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा ये 9/1 जनवरी में चली गई 2022 में। फिर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा जो है ये 2022 में 28 जनवरी से होगी। इस बार भी जनवरी में ही एग्ज़ाम पड़ा था, ठीक है, तो ये अगली बार भी जनवरी में ही होगी। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा ये 3 मार्च में होगी 7/3 को। प्रवक्ता राज की डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा ये 3 अप्रैल 2022 में। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो होगी, जो लोग पास करेंगे 5 दिसंबर को जो होने वाला एग्ज़ाम है, वो परीक्षा चली जाएगी अप्रैल में, 10 अप्रैल 2022 से। फिर दो दिन का ये एग्ज़ाम 10/11 में, या जब भी उस हो सकता है गैप उसमें हो, ये हो जाएगा अप्रैल 2022 में। तो ये शेड्यूल रहा। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ और ये सब फिर से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, एक जो चल रही हैं वो तो आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं ऐप के थ्रू, IAS प्रेप अकेडमी ऐप। और दूसरा हम जो नया लॉन्च करने वाले हैं उसकी जानकारी आपको चैनल से मिल जाएगी, ओम पांडे चैनल, IAS प्रेप अकेडमी चैनल, दोनों से मिल जाएगी और आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जल्दी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे।